आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर के प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एवं भारत के संत शिरोमणि सच्चिदानंद सतगुरु जी साईनाथ महाराज को जन्मोत्सव पर श्री साई भक्त समिति ट्रस्ट सदर के प्रमुख पुजारी श्री अर्जुन बाबा जी अध्यक्ष श्री अभय नायडू सचिव बच्चू पारोधी के नेतृत्व में एवं साई भक्तों ने साई बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा से पूर्व साईं बाबा का पूजन अर्चन कर आरती उतारने के बाद साईं भक्तों ने सदर की विभिन्न गलियों से साईं बाबा की पाल की शोभा यात्रा निकाली, जिसका भाई सभी भक्तों ने जगह जगह पॉलिशी शोभा यात्रा का स्वागत किया है। साथ ही प्रमुख पुजारी अर्जुन बाबा का भी स्वागत सम्मान भाई भक्तों ने किया है। इस अवसर पर नरेंद्र पासी, नितलेश बावरिया, पारस पिल्ले, सुचित विनोद, या राजकुमार यादव, संदीप पासी, अजय पिल्ले, विनय पिल्ले आदि साईं भक्त मौजूद रहे। साई जन्मोत्सव सदर साई दरबार ट्रस्ट समिति द्वारा विगत कई वर्षों से, वर्ष तो मालूम नहीं है मगर कई वर्षों से बड़ी धूमधाम से, बड़ी शिद्दत से कम 1.5 से 2 हज़ार पब्लिक जुलूस में रहती है। सदर बाजार की विभिन्न गलियों में भ्रमण करती है। यह प्रातः 10 बजे प्रारंभ होता है और रात्रि 10 बजे तक चलता है। इस जुलूस में हमारे परम पूज्य सद्य श्री अर्जुन बाबा जी का आशीर्वाद, सीताराम बाबा जी का आशीर्वाद और हमारे जो पुराने मतलब भक्त रहे हैं दरबार में, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन सभी का आशीर्वाद इस दरबार में बना रहेगा और सदा हम इस प्रकार से जुलूस को और आगे बढ़ चल कर निकालेंगे ताकि जुलूस काफ़ी कम से कम गिनीज बुक में तो आ सके। यह हमारी कामना है साईनाथ से। बोलो साईनाथ महाराज की। सुशील विनोदिया। भक्तों को सबसे पहले साई राम और इस रामनवमी और श्री साईं बाबा जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। यह जो श्री साईं बाबा की शोभा यात्रा है, ये श्री साईं दरबार सदर मंदिर से प्रारंभ होकर के सदर की विभिन्न गलियों में घूम रही है और यह घूमते हुए पुनः साईं मंदिर प्रांगण में समाप्त होगी। और हमारे दरबार के अध्यक्ष श्री अभय नायडू जी भी इसमें हमारा बहुत सहयोग प्रदान करते हैं और अर्जुन बाबा जी के सानिध्य में यह शोभा यात्रा सम्पन्न होती है। मेरा नाम नरेंद्र। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।